हाय गाइस, आई एम अनिल। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है, अगर आपकी स्किन लूज हो रही हो तो हम उसको टाइट कैसे कर सकते हैं, आप होम ट्रीटमेंट कर सकते हो या कोई मेडिकल क्रीम से यूज़ करके आपकी स्किन को टाइट कर सकते हो। आज मैं इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ। स्किन लूज़ होने के रीज़न क्या क्या होते हैं, यानी स्किन लूज़ किस किस कारण से होती है, मैं पहले आपको वो वाली बात बताता हूँ। आप अगर स्मोकिंग करते हो या धूम्रपान करते हो या फिर ड्रिंकिंग करते हो तो उससे आपकी स्किन लूज़ होती है। एंड आप अगर कम पानी पीते हो दिन में और अगर आप ज़्यादा सोते नहीं हो तो उसके कारण भी आपकी स्किन लूज़ हो जाती है। तो हम इसको कैसे टाइट कर सकते हैं, इसको टाइट करने के घरेलू उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको घरेलू उपाय दो उपाय बताने वाला हूँ जिसको आप होम ट्रीटमेंट से करेंगे आपकी स्किन को एकदम टाइट कर सकते हैं मेरे जैसे। स्किन टाइट करने से क्या क्या होता है, स्किन टाइट करने से जो आपकी स्किन के अंदर होल रहते हैं ना, वो होल कम हो जाते हैं। एंड स्किन टाइट होने से आपके पिंपल्स भी नहीं होते हैं और स्किन टाइट होने से आपका फेस एकदम ग्लोइंग दिखता है और आपके फेस एकदम उस पर ग्लो आ जाता है, जिससे आपका लुक बहुत अच्छे उभर के आता है। तो मैं आपको बताता हूँ स्किन टाइट कैसे की जाती है। नंबर एक ट्रीटमेंट सरसों ऑयल, इसका यूज़ कैसे करना होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आप इसको कम से कम एक या दो चम्मच इसका ऑयल लेके आप गरम कीजिए। गरम करने के बाद आप इस ऑयल को ठंडा करके आपकी फेस की मालिश नहाने से एक घंटा पहले आपके फेस की मालिश आप कर सकते हो। और अच्छे से मालिश करने के बाद आप एक घंटे बाद नहा सकते हो, जिससे कि जो आपका ऑयल है वो निकल जाएगा। एंड जब आप देखोगे कम से कम एक हफ्ते बाद आपका फेस बहुत ही अच्छा टाइट होने लग जाएगा और आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग करने लग जाएगी। बट इसको आप नहाने से एक घंटा पहले ही यूज़ करना है, उसके अंदर आप इसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है। और गर्म ज़रूर करना है, आप इसका ऐसे यूज़ करोगे ना तो आपकी स्किन पर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये गर्म होने के बाद ये ऑयल है ना पक जाता है, जिससे कि आपको जो ऑयल नुकसान नहीं करता और आपके फेस पर बहुत ही अच्छा टाइट स्किन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। मैं नंबर दो ट्रीटमेंट बताता हूँ आपको, यह पतंजलि एलोवेरा जेल। इससे हम स्किन टाइट कैसे कर सकते हैं, इससे स्किन टाइट करने का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। इसको सोने से पहले आप इसकी फेस पर कम से कम 5-6 मिनट इसकी मालिश करें, आप इसको मीडियमली यूज़ करें और अच्छे से इसकी फेस की मालिश करें। फेस की मालिश करने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़कर सो जाएं, फिर आप सुबह उठकर फेस को वॉश कर सकते हो या फिर आप नहा सकते हो। आप इसका एवरी डे यूज़ कर सकते हो और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते, ये दोनों ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इसको कम से कम एक वीक यूज़ करें, एक सप्ताह, इसके बाद आपकी स्किन बहुत ही टाइट एंड ग्लोइंग हो जाएगी और इनसे कोई नुकसान भी होने वाला नहीं। आप एक बार इनका यूज़ ज़रूर करके देखें। अगर आप लूज़ स्किन से परेशान हो, आपके फेस पर ग्लो नहीं आता या पिंपल से ओपन पोर्स या बहुत सी प्रॉब्लम है तो आप इनका यूज़ ज़रूर करके देखें। टाइट स्किन होने के कारण बहुत सी स्किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है एंड जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इनका यूज़ करके मुझे कमेंट ज़रूर करें। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना एंड लाइक तो आपको 100% करना ही है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।